मेरा अगला सवाल सर जी मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो आपने कहा कि कंटेम्प्रेरी आर्ट सिनेरियो इंडिया में इट्स गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, द यंगर जनरेशन इज डूइंग एक्सेलेंट इसमें, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे यस भी है मेरे खुद के भी एंड कुछ अलग काफी आर्टिस्ट से जब मैं बात करता हूं तभी भी एक एक ऑब्जर्वेशन उभर के ये आती है कि कंटेम्प्रेरी के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भलता ही ड्रामा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ कभी मैं बैंगलोर गया था, वहां पे ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं पे भी ऐसा है डाल, वहां पे देखा कि गेट के पास दो चार बच्चे बैठे कपड़े वपड़े फाड़ के बोल के ऐसे बैठे हैं, इसमें बोलते हैं कि नहीं, आई मीन दिस इज द पावर्टी दिखाने का, मतलब भिखारी की तरह बैठ के ऐसा इसमें ऐसे। सो कुछ अजीब अजीब कॉन्सेप्ट था वो वीडियो आर्ट के नाम पे या वो परफॉर्मेंस आर्ट के नाम पे, वो बॉडी आर्ट के नाम पे या इवन पेंटिंग के नाम पे। सर जी पेंटिंग का मैंने एक और चीज देखा उसमें कि काफी सारे प्रिंट आते हैं कैनवस के ऊपर भी प्रिंट एंड उसके ऊपर कलर लगा के, तो व्हेन आई सी दीज फ्लॉज इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिविटी के नाम पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन को छोड़ के यू ग्रैब अटेंशन फॉर, तो कुछ नॉनसेंसिकल चीज ऐसा दिखता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मैं सोचता हूँ ऐसे इस तरह के जो आप जो जिनका बखान कर रहे हैं वो ऐसे हर पीरियड में हुए हैं। मॉडर्न पेंटिंग के पूरे मूवमेंट में अगर 20th सेंचुरी में देखें तो कई लोग जो है वो आर्ट के नाम से कुछ भी कर जाते हैं, पर क्या उनका जो उनकी आवाज बनती है, क्या उनसे जो है वो आर्ट की गति बनती है, क्या क्या वो खुद सर्वाइव करते हैं? क्योंकि जब कई बार कई लगता है कि अरे ये तो हम भी कर लेंगे, ये तो बच्चा भी कर देता है, ऐसी इस तरह के जो जुमले कहते हैं वो लोग बहुत ही स्तरीय लोग होते हैं, कोई उनके पास में कोई कहने का कोई अंदाज नहीं होता, खाली बोल देते। जब करने बैठता है व्यक्ति तब तो उसको समझ में आता है कि ये इतना मिनिमल पर कैसे पहुंचा या ये काम इस तरह से कैसे हो। और उसके नाम से कई लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ कर जाएं, पर वो थोड़े से एक या दो अप्रोच में खत्म। तो जो अभी आपने बताया कि हमें इंस्टॉलेशंस के नाम से या परफॉर्मेंस के नाम से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है या बहुत सारे उसको आर्ट का नाम देते हैं, मैं खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आर्ट में सीरियसनेस नहीं हो, आर्ट में एक कंसेप्ट नहीं हो, आर्ट में एक सोच का मादा नहीं हो, आर्ट में प्रेजेंटेशन की एक ताकत ना हो, आपको उस भाषा से जोड़ने की क्षमता नहीं हो, तब तक मैं उसको आर्ट नहीं। क्योंकि और एक इस तरह से करने वाले आप 1000 में 10 देखेंगे, तो क्योंकि एक चीज मैंने नौ देखी सौ सर निन्यानवे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 990 जो लोग काम कर रहे हैं वो तो अपनी ताकत रखते हैं ना सर। जी बिल्कुल और हम जब एनालिसिस करते हैं, हम इवोल्यूशन करते हैं, या हम आज के आर्ट की बात करते हैं तो हम उस कचरे की बात नहीं करते, चाहे बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से किया गया हो, क्योंकि मुझे बड़ी ऐसा धूमधाम से किया गया हो, बहुत बड़ी पब्लिसिटी के साथ में किया गया हो, पर या वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या उसकी आवाज नहीं बनती है या बहुत टेम्परेरी होती क्योंकि है, उसके मुझे ऐसा आगे उसको आना ही पड़ेगा। करेक्ट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज जो देखे जाए, मतलब हमारी देश हमारी संस्कृति में जो हमारी लोग हमारे पहले के लोगों में हाथों में जो हमने पत्थर को काट के हमने मूर्तियां बनाई है जी, इट्स लाइक वी आर सो स्किल्ड पीपल एंड वी आर सो इंजीनियर्ड दिस थिंग माइंडसेट के लोग हैं, हम इतना कारीगरी लोग हैं। एंड आजकल के लोगों को मैं काफी सारे लोगों को जब कैनवस के ऊपर प्रिंट उतर के देखता है उसके ऊपर कलर लगे बिकती है सर जी गैलरीज में। अब मैं उसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे कई सो कॉल्ड आर्टिस्ट जो हैं वो ये काम कर रहे हैं और वो केवल मार्केट की पूर्ति कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। हाँ बट इस चक्कर में कहीं भी आपको नहीं लगता कि हमारी आर्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है या हमारी आर्ट फील्ड को डेंट होती है इससे? उसको किसने एक्सेप्ट, कितने लोगों ने किया है,
तो हमारी आर्ट तो उससे कहीं हटके है, ये इन छोटी मोटी चीजों से या इन टेम्परेरी जो इस तरह के फेजेस आते हैं या इस तरह के लोग पैदा होते हैं, उससे हमारी जो कला की जो यात्रा है वो कहीं बाधित नहीं होती है, या उसको फॉलो करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी जब मार्केट में उनका काम नहीं बिकेगा, कहेंगे अरे ये तो प्रिंट है इसके ऊपर कुछ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी सोचने लग जाएंगे कि हमारी जो है वो ये ट्रिक जो है वो काम नहीं आती। काम सही बात। पर हाँ, जो डिजिटल करते हैं, हाँ, जो डिजिटल आर्ट की भाषा के साथ में चलते हैं, उनकी उनमें उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इससे इन लोगों से कंपेयर नहीं की। बिल्कुल, मैं उस बात को मानता हूँ। इसलिए जो यंगर जनरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हैं जो बहुत डिजिटल को अपने एक्सप्रेशन का माध्यम बनाते हैं, तो अगर वो उनको फॉलो करें, उनकी उनके अप्रोच के साथ चलने की कोशिश करें, तो शायद उनको कुछ मिलेगा। अदरवाइज ये कोई कुछ गैलरीज हैं जो इस तरह के काम कराती हैं, तो वो वहीं के बन के रह जाएंगे, उससे आगे उनकी यात्रा नहीं। उनकी यात्रा है, सही बात है। अगर आप, क्योंकि काफी काफी लोग आज जब हम आर्टिस्ट मिलते हैं, मैं लोगों से बात करता हूं सब ऐसा, तो एक चीज ऐसी उभर के आती है, एक सवाल ऐसे उभर के आती है कि हमारे पहले के मास्टर्स जो थे उन्होंने सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स पे टच कर चुके हैं, ऐसा कोई चीज नहीं बचा है जो हमारे ज्ञान में आए कि बाबा हाँ ये एक चीज नहीं कर बचा, हम फिर भी उसको टच करते शायद ऐसा। बट इसके बावजूद फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, अगर अगर आर्ट फ्रेटर्निटी आर्ट स्टूडेंट्स को हो या आर्टिस्ट को, अगर आप कोई एक नया थॉट एक नई सब्जेक्ट अगर देना चाहें कि सेइंग दैट हाँ एक चीज बची है या एक चीज में हम ऐसा कर सकते हैं या सम न्यू इनोवेशन ला सकते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे सर जी? अतुल जी, अगर ऐसा सोचा होता तो शायद आज से कई सालों पहले ही लोगों ने जो है वो आर्ट करना बंद कर दिया। जब हम अजंता की बात करते हैं या एलोरा की बात करते हैं या भूतकाल की बात करते हैं या उस पीरियड की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या नहीं किया। पर इसके बाद में और पीरियड आए, इसके बाद में और कलाओं का जन्म हुआ, इसके बाद में और रूपों का जन्म हुआ, तो ये यात्रा तो हमें चलती रहेगी, कभी सब्जेक्ट की कमी आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत फर्टाइल है, हमारी सराउंडिंग जो है वो बहुत रिच है, हमारी जो प्रकृति है इतने सालों के बाद में करोड़ों सालों के बाद भी आज भी हमें नई लगती, आज भी हमें नई स्फूर्ति देती है, नई सोच देती है, नई बात करने के लिए प्रेरित करती है। तो जहां तक सब्जेक्ट की बात है, आज हम 21st century में रह रहे हैं, 21st century की इस आबो हवा को, इस वातावरण को, इस माहौल को जी रहे हैं। जब हमने 20वीं शताब्दी से हमारी यात्रा शुरू की और 21वीं शताब्दी में आए, इतने परिवर्तन देख रहे हैं, तो इतने सब्जेक्ट भी, और कोरोना ने तो हमें कई ऐसे सब्जेक्ट दिए हैं, कई इस तरह की सोच के दायरे दिए हैं, सही बात, कई इतने मीडियम दिए हैं कि शायद आने वाले 100 साल में भी हम इसी तरह की यात्रा करते रहेंगे, 100 साल के और भी आगे भी करते रहेंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट को, तो 21st century इटसेल्फ ए सब्जेक्ट। आज का माहौल, आज के लोगों का जीवन शैली, उनके काम करने का अंदाज, उनके सुबह से लेकर के रात तक की पूरी कार्य प्रणाली, ये सब तो भिन्न है, बहुत नए हो गए। हमने सारे परिवर्तनों को देखा है, खेला है, अनुभव किया है और आनंदित भी हुए। तो सब्जेक्ट की कोई कमी कभी नहीं होती, और सब्जेक्ट पे आर्ट नहीं चलता है, आर्ट विचारों से चलता है, विचारों के बाद में ऑटोमेटिकली सब। आपने ये बात सही कहा सर जी कि आर्ट में विचारों से, विचारधारा से चलती है। हमारी देश की परंपरा अगर देखें, हमारी जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो खजाना है हमारे पास, हमारे एपिक्स को अगर देखें, हमारी प्रकृति की वर्णन को देखें, हमारे एक एक श्लोक या हमारे इस पूरे, उसमें इतनी चिंतन है, इतनी विचारधारा है उसमें। क्या आपको लगता है कि हम उस विचारधारा, उस खजाने को
विजुअल माध्यम में एनकैश कर पाए हैं सर जी? क्योंकि मैंने नाटक में देखा, मैंने साहित्य में देखा, शब्दों से वो आता है, लेकिन क्या विजुअल लैंग्वेज में हमने उस खजाने को टैप किया है थोड़ा? आपको क्या लगता है सर जी? हमारे यहाँ पे भी बहुत कोशिश हुई है, काफी कलाकारों ने जो है वो इस तरह के सारे जो जिनको आप बात कर रहे हैं, चाहे ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, हमारे सांस्कृतिक धरोहर हो, हमारे लिटरेरी अप्रोच हो, उन सबको आर्ट में अपने अपने अनुसार अपने भाषा में बांधा है। नहीं, ऐसा नहीं है, महाभारत को लेकर के बहुत काम हुआ है, रामायण को लेकर के बहुत काम हुआ है, और कबीर को लेकर बहुत काम हुआ है। तो ऐसे आप देखें तो कृष्ण को लेकर के बहुत काम हुआ है, न जाने सारे पौराणिक ऐतिहासिक सब्जेक्ट्स को लेकर के हमारे आर्ट में क्या नहीं हुआ है। इवन हमारे जो फिलोसॉफी है, जो सांख्य दर्शन है या वेदांत है, तो इन सबको लेकर के भी कलाकारों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब काम किया है, और उनके इंस्पिरेशन के आधारभूत तत्व भी ये रहे। इसलिए ये मैं नहीं मानता कि हमारे यहाँ चाहे थिएटर में तो हमें डायरेक्ट दिखता है, पर यहाँ हम जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज गढ़ते हैं जिसमें शब्द भी नहीं है, आवाज भी नहीं और एक्टिंग भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पर अगर उनके विचारों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसके बहुत सारे कलाकारों के कामों में ये सारी चीजें मिलेगी, और उन्होंने करने का प्रयास किया। ये एक चीज पे मैं मानता हूं सर जी कि आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो आप यू प्लीज करेक्ट मी, कि दूसरे फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम नाटक देखते हैं, साहित्य देखते हैं, कविता देखते हैं, नृत्य देखते हैं, उसके लिए जो रिकग्निशन हो, जो सपोर्ट हो फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड ऑल, वो कुछ ज्यादा मिलती है, एंड विजुअल आर्ट के लिए उतना नहीं मिलता है जितना उसको मिलता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है? अगर है तो आपको लगता है क्यों, ऐसा क्यों है सर जी? बिल्कुल सही है, इसमें हमारी जो है वो सरकारी नीतियां भी जो इसके लिए वो है, प्लस अगर जैसे हम म्यूजिक कंसर्न की बात करें तो वो डायरेक्ट लोगों को सीधा सीधा है, दो घंटे में, एक घंटे में, तीन घंटे में आपको जो है वो सब कुछ जो वो चाहते हैं वो मिल जाता है, जो कान की जो सौंदर्य की अनुभूति है वो वहाँ करा देते हैं। ऐसे ही थिएटर में भी यही होता है या सिनेमाटोग्राफी में भी यही होता है, पर हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी नहीं है जो डायरेक्ट आपको बोल सकते, जैसे मैंने पहले भी बोला अभी बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे एक्सप्रेशन में थोड़ी कमी। ये लैंग्वेज का जो या ये अभिव्यक्ति का जो एक साधन है वो निश्चित रूप से अन्य साधनों से थोड़ा भिन्न है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़ा देर से आपको प्रभावित करता है पर लंबे समय तक आपकी बात जो है वो उसकी गूंज बहुत लंबी जाती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत देर तक चलती है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और थोड़े मतलब हम एग्जीबिशन देखने जाते हैं तो एग्जीबिशन दो घंटे देखेंगे, घंटा देखेंगे, और देखने के बाद में वो उसके दिमाग में जो दर्शक है उसको वो क्लिक करेगी, उसको आनंद करेगा, तो आनंद की अब उसके घर तक जाते जाते हैं, उसके बाद में भी उसको वो जो है वो मिलता रहता है, वो हर कला में होता है। वो इसमें रही बात इसके पेट्रोनाइजेशन की या विजुअल आर्ट जो है वो आगे बढ़ाने के लिए या उसके संरक्षण के लिए जो हमारे जो काम होने चाहिए थे जो अन्य देशों में हो रहे हैं पर इस देश में इसकी कमी है, उसको उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कलाकार समाज में एक अच्छे स्तर पर जिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस प्रोफेशन की ओर आएंगे। अपने अभिव्यक्ति बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आर्टिस्ट बनना है पर उनको ये मालूम भी है कि जो है वो इसकी अपॉर्चुनिटीज बड़ी मुश्किल है, बहुत कम है, लिमिटेड है, आसानी से कम है वो नहीं होगा, तो वो जो उससे दूसरा रास्ता ले लेते हैं और कभी कभी काम करने की वो उसमें वो ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए या आर्ट के जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो पहले भी किया गया है वो आज भी बहुत जरूरत है, समाज का संरक्षण, सरकार का संरक्षण, और इस ओर अगर हम समग्र रूप से प्रयास करें
और सरकार को कम से कम ये एहसास कराए कि हमारे देश में दो चार म्यूजियम ही क्यों है, हर गांव में हर शहर में म्यूजियम्स की श्रृंखला क्यों नहीं है जैसे विदेशों में होती है। एग्जैक्टली हमारे बच्चों को म्यूजियम में गैलरीज में ले जाने की आदत हमने क्यों नहीं डाली है, वो हमें डालनी चाहिए। कला बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कला ने बहुत काम किया है, कला का बड़ा रोल रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो सुख और शांति और समृद्धि के लिए कला की जरूरत है और उसके लिए अगर सरकार थोड़ा सा भी अपने बजट में 1% भी अगर जो है वो कला के लिए दे तो निश्चित रूप से इस देश की कला में के पंख लगे और कलाकारों को की जो अभिव्यक्ति का जो एक दायरा है वो बहुत खुल जाए। तो यू नो वी हैव हमारे देश में इसके लिए एकेडमीज है, फॉर एग्जांपल ललित कला एकेडमी है, स्टेट हो सेंट्रल हो, तो ये गवर्नमेंट बॉडी हुई है। अभी प्राइवेट प्लेयर्स है वो अपना करते हैं, कुछ म्यूजियम में इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं, बट ये आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट बॉडीज है स्पेशली एकेडमीज को देखे उसमें आदर क्या वो सही तरीके से एंड उतना लेवल तक उतना इससे तक काम करते हैं सर जी, हो पाता है? मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूं इन सारी चीजों से जो हो रहा है या जिस जो जितने जिसके उद्देश्य से इन एकेडमीज की स्थापना की गई थी आज हम भटक गए। एकेडमी अपना उद्देश्य खो चुकी, अपना एक अस्तित्व जो जिस रूप में एकेडमीज जो गैलरीज जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं कल्चर सेंटर्स हैं उन सब ने केवल रिचुअल्स के रूप में ही आर्ट को लेना शुरू किया है। इसका एक रीजन और भी, कलाकार उससे दूर हो गए, इसलिए दूर हुए हैं कि वहां कोई आगे बढ़ने की या वहां कोई संरक्षण की या वहां कोई पेट्रोनाइजेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको जो बजट सरकार देती है उसमें से 80% बजट केवल सैलरीज में TADA में ही खर्च होता है और 20% खाली मात्र नाम के लिए, उसमें कई बार 15% भी हो जाता है, वो केवल एक एग्जीबिशन करनी है, एक ये करना है, एक ये करना है और एक दो चार पब्लिकेशन करना है उसमें निकल। जिस तरह से दूसरी संस्थाओं को आर्थिक रूप से संबल दिया गया, क्या स्टेट और नेशनल एकेडमीज को उस संबल की आवश्यकता नहीं थी? जो आप अगर उन आंकड़ों को उठा करके देखें कि पहले जो एकेडमीज को जो बजट दिया जाता था उस रेशो में आज बजट की स्थिति कम है, बड़ी नहीं, जबकि और ऑर्गेनाइजेशंस में बजट कई गुना बढ़ गया, तो काम क्या करेंगे? केवल नाम मात्र का है। तो कलाकार जो है इनसे दूर हो गया और कोई भी अच्छा कलाकार एकेडमी में आज अपनी पेंटिंग देना नहीं चाहता, एकेडमी में जाके अपनी बात कहना नहीं, ये स्थिति आ गई है। इसके और भी कारण है पर मैं उनपे जो है वो नहीं चाहता। या आई अंडरस्टैंड दैट सर जी, एक उसमें एक आई डोंट नो, क्योंकि जिस देश की संस्कृति और उसकी इतिहास हो, उसकी अध्यात्म हो, उसमें इतनी कला भरी हो एंड उस देश में अगर गवर्नमेंट की उतनी अगर सपोर्ट या पेट्रनाइजेशन नहीं हुई हो तो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड ऑफ कोर्स द लॉबिंग, द डर्टी लॉबिंग देयर व्हिच हैपेंस इवन फॉर सिलेक्शन हो या अवार्ड्स को हो, हम उस पे ना जाए तो ही बेहतर होगा। बट एनीवे उसे कोई मतलब मैं ये केवल ललित कला एकेडमीज की बात नहीं है, हर चीज में गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज हैं सबके साथ में यही है। आई नो जो कल्चरल बॉडीज की बात कर रहा हूं। या मैं सवाल टच नहीं करना चाहता था, लेकिन नुमाइंदे बैठे गए हैं कि जिनको जो केवल रिचुअल्स कर सके और बहुत ज्यादा कोई डिमांड कर नहीं सके या कलाकारों को बहुत ज्यादा जमावड़ा केवल दिखाने के लिए कर सकती। या सही बात नहीं, वही मैं ये सवाल ऐसा नहीं कर, बट बिना टच किए भी नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ प्राइवेटली सब लोग बात करते जी, कोई खुला बात नहीं करता। इसके लिए मैं सोचा कि चलो इसमें कहीं तो इस बात पे इट्स एक
कंस्ट्रक्टिव आवाज गूंज कहीं तो शुरू होनी चाहिए समवेयर इन अ स्मॉल, आई हैव नो आइडिया, ओपनली में देखते हैं गूंज होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी बिल्कुल, करने वालों की संख्या ज्यादा होगी बिल्कुल, क्योंकि एक समय में भी इस एकेडमी का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूं और लोग बात कह सकते हैं कि इसके लिए आप भी जिम्मेदार है, पर मैं अपने पीरियड की अगर जो बात करूंगा या उस समय की जो उपलब्धियों की जो स्थिति बात करूंगा तो बहुत एक अलग से अलग तरह की बहस पूरी आ जाएगी, और इसके बाद में क्यों नहीं हुआ उस पर मैं बात करूंगा तो शायद और भी वो होगा। तो उद्देश्य किसी भी संस्था का खराब नहीं होता है, करेक्ट, सरकार की मंशा भी अच्छी ही होती है, जो उनको जिस तरह से लगता है कि हम तो वोट बैंक है नहीं, करेक्ट करेक्ट, तो कलाकार किसी का चुनाव नहीं जीता सकता yeah. तो उनको तो रिफ्यूज करा दो और जो पहले से चलता आ रहा है उसको चलने दो, वो चल रहा है और वो चलता रहेगा, कुछ लोग जो है वो जाकर के तालियां बजा देंगे, कुछ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, पर आगे क्या हो, उन संस्थाओं का भविष्य क्या होगा। अब आप देखिए कि पिछले करीब 35 साल से स्टेट नेशनल एकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में काम खरीदे ही नहीं गए, एक्वायर ही नहीं किए गए, तो इन 35 साल के इतिहास को ये कैसे जोड़ेंगे। ये चीज तो होनी चाहिए थी पर उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को मौका मिल जाता, मिल जाता। प्राइवेट सेक्टर जो है वो आज कलाकारों को जो है वो उनके पेंटिंग्स को बेचने में, उनको देशाटन कराने में, उनके काम को जो है वो के एक अलग अंदाज देने में लगे हुए हैं, उनका भी काम चलता है और कलाकारों का भी काम, कितनों का चलता है वो नहीं मालूम। सही बात, इस देश में इतनी बड़ी संख्या में कलाकार हैं तो क्या दिल्ली बॉम्बे या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसी में आर्टिस्ट हैं? इसके अलावा इस देश में आर्ट हिस्ट्री नहीं हुई, इस देश में कलाकारों ने काम नहीं किया गया। सही बात, जब इतना सारा काम हुआ है और वही कलाकार जो हैं वो देश के आर्ट इतिहास में बड़ा महत्व रखते हैं तो उनको क्यों बुला दिया? सही बात, उन पे चर्चा क्यों नहीं होती? केवल जिसने मार्केट कैप्चर कर रखा है उनकी बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सही बात, नहीं ये बात तो बहुत दुरुस्त है सर जी, सीरियसली आर्ट नहीं करता है। नहीं बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कही सर जी, जिसकी आर्ट बिकती है उसको कलाकार का दर्जा मिल जाता है, जिसकी आर्ट बिकती नहीं, ऐसे मैं कितने आर्टिस्ट को जानता हूं सर जी जो उनके काम ज्यादा बिकती नहीं है, लेकिन नो वन रिकॉग्नाइजेस, गैलरी वाले भी नजदीक नहीं करते। दर्जा कौन देता है? केवल गैलरीज वाले जिनका अपना बिजनेस चलता है। या हमारे यहाँ मैगजीन भी जो है उनको ही लिखती है क्योंकि स्पॉन्सर्ड है सब, करेक्ट, तो मैगजीन भी उनके बारे में ही लिखती है, करेक्ट करेक्ट, जिससे कि लोगों को ज्यादा कि यही बड़े कलाकार हैं इस देश में, इनका ही का वो है, यही भविष्य के जो है वो महान कलाकार होने वाले हैं, इस तरह की बात की जाती है, करेक्ट, और जो है वो उन इन्वेस्टर्स लाए जाते हैं या सो कॉल्ड कलेक्टर्स होते हैं उनको जो है वो पैदा किया, या एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक इंटेंशनल स्ट्रेटजी किया जाता है उसमें, ट्रू, बट कहीं तो मेरे ख्याल से उसको वी शुड स्पीक ओपनली ऑन दिस टॉपिक। एंड अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानता, पर उन लोगों के बारे में क्या होगा जो पूरे दिल्ली बॉम्बे से हटके रहते हैं। करेक्ट करेक्ट, नहीं वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है, उसको मैं अग्री बिता देता हूं। नहीं आप जैसे कहते हैं कि गैलरी या मैगजीन जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है, बट मुझे लगता है कि इन लोगों को भी थोड़ा इन्वॉल्व करे, बाकी सबको भी इन्वॉल्व करे, देखे कि कहां जेन्युइन आर्ट है एंड उसको exactly. उसके बारे में कम से कम कुछ मैगजीन तो ऐसी हो जो जेन्युइन आर्टिस्ट को, या वो जेन्युइन नहीं है ये मैं नहीं कहता, पर कुछ और आर्टिस्ट जो उससे हटके हैं, आप किसी भी मैगजीन को उठा के देख लीजिए, कोई भी उनकी एग्जीबिशन को उठा करके देख लीजिए, चंद नामों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं उसी सिटी में भी और आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल वहां पे भी कमी नहीं है, पर चंद आर्टिस्ट ही क्यों? या तो ये यहाँ गवर्नमेंट की ये संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट, पहले भी किया है। आज ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए जो अपने आप को 30 मार्क का मान रहे हैं, उसमें से 90% ने एकेडमीज को दोहन किया है। करेक्ट करेक्ट सर, एकेडमी का लाभ लिया है और इसके बाद में उसको गाली दे रहे, करेक्ट,
मैं आपको ढेरों नाम बता दूं। सही बात उसमें तो मौका आता, आज भी उनको विदेश यात्रा का अगर निमंत्रण अकेडमी दे देगी तो दौड़ के चले जाएंगे। करेक्ट। और जब मौका आएगा तो उसकी क्रिटिसाइज भी वही कर देंगे। करेक्ट। जो अपने अपने को बड़ा आर्ट क्रिटिक भी मानते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उनके सिद्धांत तो इस तरह या जो ईमानदारी से जो काम करता है उसकी आवाज देर से आती है पर बंद नहीं। नहीं, इस बात पे मैं जरूर आपके साथ सहमत हूँ सर जी, क्योंकि मैंने काफी 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 बड़े बड़े नाम आर्टिस्ट के देखे हैं एंड सीनियर आर्टिस्ट सो कॉल्ड सर जी, जिनके 25-30 साल से अगर आप देखे काम एक ही स्टाइल का है। मतलब उन्होंने लॉन्ग बैक उसको पैशन से छोड़ के एक प्रोडक्ट की तरह, एक क्राफ्ट्समैन की तरह बनाया है सर जी। बिल्कुल ठीक। बस एंड मैं हमेशा उनसे सवाल किया, ऑफ कोर्स मैंने एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट से मैंने डांट भी खाई, मैंने व्हेन आई ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन मैंने सीधा पूछा, सर जी आपका काम मैं देख रहा हूँ 30 साल पहले जो काम है कॉम्पोजिशन स्ट्रोक्स है और आज की है उतना ही है, आपने सिर्फ कलर्स चेंज किए, मतलब आप 30 साल में कभी बड़े नहीं हुए, इवॉल्व नहीं हुए, चेंज नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है जी? आपने उनके दुखती रख पे जो है वो हाथ लगा दिया तो गुस्सा होना ही। लेकिन आपको नहीं लगता सर जी कि वो पैशन से प्रोडक्ट बना के उसको बिकता है उसपे, एंड 25-30 साल से अगर आप देखें तो सेम टाइप ऑफ वर्क। एंड उनकी उनकी एक और चीज मैं शेयर करूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो उनको लगता है कि आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं तो हम जैसे सीनियर आर्टिस्ट को इनवाइट नहीं करते इनॉग्रेशन के लिए। बहुत पर्सनल बात बोल रहा हूँ, इनॉग्रेशन मैंने उनको सीधा बोला, एंड जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत डांट खाई मैंने उनसे, लेकिन मैंने सीधा बोला कि सर जी माफ करना मेरे को, पहली बात है कि आप पिछले 30 साल से एक ही टाइप के वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आपका आर्ट क्राफ्ट्समैन है, प्रोडक्ट है, आर्ट की तरह ये नहीं है उसमें इवॉल्व चेंज। दूसरी बात, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग कैंप्स में जाते देखे हुए, एंड रात में आपने जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, या जिस तरीके से डिमांड करते हैं ना, जिस तरीके से आपकी बिहेवियर एटीट्यूड इतना गंदा दिखता है ना, कि आप मैं आपको आने वाले जनरेशन या सोसाइटी को इंस्पायर या मोटिवेट करने के लिए मैं ठीक नहीं समझता। आई मीन आप सर जी आप तो जानते हैं कि मैं सीधा बोल देता हूं बट हाँ, लेकिन उसके लिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन डांट खाई मैंने उसे। ऑफकोर्स फिर बाद में मैंने उनसे ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया क्योंकि उम्र में बड़े हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू रिस्पेक्ट हिज एज एंड ऑल, बट उनको जो पूछना था मैंने बोलना था मैंने बोल दिया सर जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर आर्टिस्ट आपको, क्योंकि सीनियरिटी डज नॉट कम विद एज सर जी, इट कम्स विद कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड थिंग, अचीवमेंट सोसाइटी भूल सकती है, समाज दुनिया भूल जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन याद रहेगी। तो इन लोगों की अचीवमेंट्स है, इन्होंने बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए, सेल किए, पैसे बनाए सर जी, लेकिन कंट्रीब्यूशन नाम का चीज में नहीं है। जो जो सोसाइटी को, समाज को कंट्रीब्यूट ना करे, क्षेत्र को कंट्रीब्यूट ना करे, वो कैसा एक मोटिवेटिंग या गाइडिंग लाइट रहे इसमें इसमें। तो ये थॉट आप कुछ कहना चाहेंगे सर जी? सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई अंडरस्टैंड। मैं बोलूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड बट है मैं फ्रेंकली बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आई वुड लुक टू आर्टिस्ट हु कंट्रीब्यूट रादर देन अचीव ऑल्सो, क्योंकि एक हद के बाद कंट्रीब्यूशन भी। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि पहली बात तो आर्टिस्ट को खुद को ही अपना पास्ट, अपने पिछले यात्राएं बराबर जो है वो उसको देखते रहना चाहिए, क्या मैं कहीं आगे गया हूं कि नहीं गया। और दूसरा, अगर नहीं गया है तो उसका उसकी स्थिति भी आपको समझनी चाहिए कि वो क्यों नहीं गया। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं गैलरीज के कि सर आप थोड़ा सा इसमें ये कर दीजिए, हमें आपकी ये सीरीज के मुझे 10 काम चाहिए। करेक्ट। आप इसमें थोड़ा सा ये जो है वो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इस तरह की गाइडलाइन आर्टिस्ट को मिलती है, स्पेशली यंगर आर्टिस्ट। करेक्ट। और बेचारे वो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह के काम करते रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको लगता है कि हमने हमारी जर्नी वहीं रोक दी, हमारी जर्नी नहीं बढ़ी।
तो ये कुछ चीजें हैं जो ईमानदारी से कलाकार अंदर से झांक करके देखेगा तो उसको समझ में आ जाए। आप और हम कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, डांट पड़ेगी। आपने आपने उसको एक जगाने का काम कर दिया है। निश्चित रूप से उसका असर होता है, चाहे वो एक यंग लड़का ही कोई क्यों नहीं हो, वो ये कहेगा सर मैं आपके 10 साल से काम देख रहा हूँ, एक जैसे ही लग रहे हैं, क्यों? तो वो भले ही अपनी पूरी कथा कह दे, रामायण कह दे, महाभारत रच दे उस पे, पर हकीकत को वो खुद भी जानता है कि मैंने जो है वो अपनी जर्नी को अर्थ के पीछे स्वाहा कर दिया। करेक्ट करेक्ट। नहीं, इस बात पे मैं एक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फॉर एग्जांपल जस्ट एक छोटी सी एक्सपीरियंस है, मेरी कलर इंजीनियरिंग की सीरीज जो आती है वो छोटे पेपर पे सर जी, लाइक यू नो 11x12x14 इंचेस के पेपर पे, क्योंकि शुरुआत भी मेरी छोटी हुई थी, वही की वही रह गई उसमें। मैं बड़ा कैनवस पे करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो फ्रेम वो कॉम्पोजिशन नहीं आती है, इट डजंट हैपन, इट हैपेंस विद दैट साइज, वो लॉक हो गई है उसमें। तो काफी सारे गैलरीज ने बोला कि नहीं, दे वॉन्टेड दैट सेम इन 4x4, 6x6 एंड मैं वो कर ही नहीं पाया जी। मैं बोला सॉरी, मैं नहीं कर पाया, मैं यही कर सकता हूं। तो कहीं तो ये साइज वेरिएशन, साइज में भी या इसमें भी है उसमें, बट कलाकार मैं फिर एंड ऑफ द डे मैंने अपनी दिल की आवाज सुनी कि मैं जो कर सकता हूं कर सकता हूं, जो नहीं कर सकता आई डोंट वांट टू मेक इट एज अ फॉल्स प्रोडक्ट एंड सेल, लेट इट बी एन आर्टिस्टिक पीस ओनली। सही है, ऐसा होना चाहिए। ये स्थिति तो बहुत स्पष्ट रहनी ही चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता, या मैं नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, उस और मैं बात नहीं करूंगा। तो आपको लार्ज कैनवेसेस आपको या बड़ी साइज आपको पसंद नहीं है, तो हमारे मिनिएचरिस्ट ने भी तो छोटे छोटे काम किए हैं, पूरी हिस्ट्री है उसके पीछे छोटे काम करने की और उसकी ब्यूटी की। तो काम छोटा हो या बड़ा हो, वो जो स्ट्रॉन्ग घाव करे गंभीर जैसी बात है ना, वो आनी चाहिए। सही बात, सही बात। मार्केटिंग की बात होती है, वहां अलग है, हमारे प्रिंट मेकर्स जो हैं आज सब पेंटर हो गए। सही बात, सही बात। क्यों? कि प्रिंट मेकिंग की मार्केट थी नहीं, तो उन्होंने जो है वो पेंटिंग की थी। कई बात, सही बात। कुछ चीजें हमारे हमारे हाथ में नहीं होती, समय जो है वो बदलाता है उसमें। एंड एक एक नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन बी समथिंग अबाउट एन इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन सर जी, उसके लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफी सारे बिगिनर्स आते हैं, काफी सारे आर्टिस्ट आते हैं, उनको आर्ट मटेरियल्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहे कि सेइंग दैट कि इस तरह के मटेरियल्स या इस तरह के कुछ ले, क्योंकि एवरीवन आर रशिंग फॉर दैट, बेसिकली मार्केट में किस तरह के ट्रेंड बिक रहे उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो मीडियम और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर जी, कि सेइंग दैट यू नो कि इस तरह के ब्रश, पर्सनल बात, इस तरह के ब्रश की पर्सनल स्थिति है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ब्रश चाहिए ही नहीं, मेरे पास ब्रश का पूरा स्टॉक है, क्योंकि पहले मैं ब्रश करता था, कल मुझे कब जरूर वापस शुरू उसकी ब्रश की जरूरत पड़े, वो मैं उसको बंदिश नहीं रखता कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो जैसे ब्रश नहीं चाहिए तो मैं ये ब्रश के बारे में बात करूं, पर जो आर्टिस्ट जिनको कि जिनके काम की कि वो जो एक्रेलिक में कर सकता है या ऑयल में कर सकता है या वाटर कलर में कर सकता है या टेम्परा में कर सकता है या पेस्टल में कर सकता है या चारकोल पे कर सकता है, तो वो उसके काम की आवश्यकता के अनुसार मटेरियल की डिमांड चलती है या मटेरियल को चूज कर। आप अचानक ही, जैसे मैं ऑयल नहीं करता, मैंने मेरे काम में कभी ऑयल किया ही नहीं। अच्छा, अगर मुझे कोई कहे कि आप ऑयल में करो तो मैं कंफर्ट, जैसे अभी आपने साइज की बात की, वैसे मैं कंफर्ट नहीं होऊंगा। करेक्ट। तो उसमें बुरा की भी बात नहीं है, उसमें आपके आपकी लिमिटेशंस की भी बात नहीं है, आपके एक्सप्रेशन का अपना रूप है, आप अपने एक्सप्रेशन में बहुत सारे माध्यम और ले रहे हैं। मैं बहुत सारे ट्रेडिशनल कलर्स को भी मैं यूज करता रहा हूँ, जो है वो प्रिंट मेकिंग भी मैंने काफी किए हैं, प्रिंट मेकिंग भी मेरा बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन का माध्यम रहा है। तो जो जो भी मुझे जब जहां अच्छा लगा है, जो उस मीडियम को मैंने कोलाजेस भी किए हैं, या मैंने पेंसिल को खूब यूज किया है, पेंसिल जैसे मैंने यात्रा की तो खूब किया है। तो आर्टिस्ट को की एक स्थिति तो है कि उसको सारे मीडियम का ज्ञान होना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि मीडियम का ज्ञान नहीं होना चाहिए, यहाँ और जब एकेडमिक स्टडी के साथ में व्यक्ति बाहर आता है तो उसको इन सब का ज्ञान होता है, रियलिस्टिक क्या है, स्टिल लाइफ क्या है, लैंडस्केपिंग क्या है, डिस्टोर्शन क्या होता है, आपके लाइट क्या होती है, उसका प्ले क्या होता है, ये सब चीजें जो है, कलर की शेडिंग किस तरह से, कलर्स का यूज कैसे है, ये बेसिक चीजें सबको होती है। पर अपना मार्ग जब शुरू करता है तो उनसे जो है वो आगे बढ़ता है। सही बात है। वो केवल प्रेरणा स्रोत के रूप में रहते हैं, आपके गाइडलाइन की तरह नहीं होते। सही बात, सही बात। तो इस तरह की स्थिति के साथ में है तो आज की जनरेशन के पास में तो बहुत सारे माध्यम। सही बात। आपने जब जो कहा डिजिटल से लेकर के और जो म्यूजिक भी माध्यम है उसका, लिटरेचर भी, शब्द भी उसका माध्यम है, तो आजकल जो है वो लाइट जो टेक्नोलॉजी भी उसका माध्यम है, तो ट्रेडिशनल जो मीडियम है वो सब कुछ है, और यहाँ मिक्स मीडिया नाम की सारी स्थिति के साथ भी वो चलता है, तो उसकी क्या जरूरत है और उसको वो फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे अपनी जर्नी शुरू करता है तो हर आर्टिस्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, धीरे 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 खुलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है। तो स्टूडेंट्स को, आज की जनरेशन को, तो इन सारे वेन्यूज को, सारे ऑप्शंस को अपने साथ में है उनके, और मार्केट में खूब अवेलेबल भी है, अच्छा सा अच्छा पेपर अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे कलर ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल है, और कैनवस रेडीमेड, आज कैनवस बनाने की जरूरत नहीं होती, हमारे जमाने में तो कैनवस कपड़ा ला करके उसको खींच करके कैसे बनाना क्या है सब कुछ करते थे, आज 90% स्टूडेंट्स को कैनवस कैसे बनाना है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्यों। सही बात। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अब उसके बहुत डिटेल में नहीं आऊंगा, तो वो अभी जैसे वो स्केच बुक का जो यूज जो है वो नहीं के बराबर। सही बात, सही बात। उसकी स्केच बुक जो है वो उसका मोबाइल या कैमरा, और उसी में जिस तरह से जितने प्ले कर सकता है, जितना वो कर सकता है उसको लेता है, और उसके बाद में जब अपना काम एक्सिक्यूट करने बैठता है तो वो लैपटॉप उसका खुलता है, उसके जो है वो कैमरा के इमेजेस सामने आती हैं, और उसी में से जो है वो अपनी भाषा को गढ़ता हुआ जो है वो उसको यूज करता है। मैं उसको बुरा नहीं मानता, एक आज की टेक्नोलॉजी का एक प्लस है तो उसको ले। आपकी ऑडियो गई सर जी, ऑडियो गई, वो आगे नहीं ले सकता। वो स्ट्रेंथ है, वो सबसे में और उसको इन सब चीजों का नॉलेज उसको है, तो वो बहुत आगे की जर्नी करेगा, वो नॉलेज नहीं होता तो वो टेम्परेरीली कभी जंप मारेगा इधर, कभी इधर, कभी उधर, और वो जो है वो कभी सेटल्ड होगा ही। सही बात, सही बात। एक आखिरी सवाल सर जी, उसमें ये आरटीवी की प्रयास हो या मेरे प्रोग्राम्स की, या एज एन इंडिविजुअल, मेरी प्रयास हमेशा ये रहती है कि मैं कला, कलाकार और समाज को इस नेटवर्क, इसको जोड़ूं, इसकी नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग बनाऊं इसमें। नाउ इस कॉन्सेप्ट के लिए कला, कलाकार और समाज को, इसको और परिपक्व बनाने के लिए, और नजदीक बनाने के लिए आपकी मैसेज क्या होगी सर? आपने जिस रोज मेरे से बात की थी फर्स्ट, तभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि आज इस देश में आरटीवी की बहुत जरूरत है, और आरटीवी जो है वो रोल प्ले कर सकता है जो सोशल मीडिया में अन्य माध्यम, अन्य रूप जो है, अन्य विधाओं के जो रूप है वो लेते हैं, तो आरटीवी उस रूप में हमारी भाषा का एक रूप बन सकता है, हमारे अभिव्यक्ति का एक साधन बन सकता है, और आप इसको शुरू करने जा रहे हैं तो एक ऐसा प्रयास है जो हम सालों से सोचते थे कि ये होना चाहिए। तो आरटीवी सारी एक्सप्रेशन की जो भाषाएं हैं उन सबको लेगा, उसको उनके कलाकारों का ग्रुप होगा निश्चित रूप से, आपकी आपके कल्पनाएं हैं, आपने बहुत सारी चीजें संजो के रखी हैं, बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारी बहुत जरूरत थी, उस जरूरत की पूर्ति होगी, और इस देश के न केवल कलाकार, कला प्रेमी भी जो हैं, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा और कला प्रेमियों को भी बहुत फायदा होगा, और जो आर्ट कलेक्टर्स हैं उनको भी आप जो है वो कई नए से नए रूप दिखा सकते हैं, नए से नए कलाकार से आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका आरटीवी
बहुत आगे जाए और ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप करें जो आप आपकी कल्पना में सालों से हैं। हम जब भी बात करते हैं तो आपने बहुत सारे और सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे फील्ड्स को आपने आपने टच करने की बात की है, उन सबको आप करें और हम सभी इसके लिए आपके शुक्रगुजार होंगे कि आप ऐसी अच्छी चीज शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपके आशीर्वाद हमेशा ऐसे रहे सारे आर्ट स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट के ऊपर सब ऐसा। एंड यू रियली हैव डन अ ग्रेट जॉब इन योर लाइफ एज एन आर्टिस्ट, ये डेफिनेटली ऊपर वाले की मेहरबानी है। बिल्कुल 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 मेहरबानी बनी रहे, मेरे परिवार की मेहरबानी बनी रहे, मेरे दोस्तों की मेहरबानी। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर जी आर टीवी में आने के लिए। हम अगली बार फिर कोई और और कोई इवेंट में और हम फिर से मुलाकात करेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभकामनाएं, थैंक यू।